जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बॉयकॉट का निर्णय लिया गया है, कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है उनके हाथ से इनॉग्रेशन होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का यह मंदिर है और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है, इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए, ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? राजू जी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? तमिलनाडु के विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी थी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसका उद्घाटन किया, तब राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मणिपुर के इम्फाल में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने विधान भवन का उद्घाटन किया, तब तो फिर राज्यपाल जी को बुलाना चाहिए था, राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया। असम की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस के तरुण गोगोई जी ने किया, राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया गया। आंध्र के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां के विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को न्योता भी नहीं दिया। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया, उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी, फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जो उनकी गोल्डन जुबली बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया, उस समय इस बात की याद क्यों नहीं आई? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, उपराज्यपाल को तो निमंत्रित भी नहीं किया। तेलंगाना में विधान भवन का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री केसीआर ने किया, उस समय राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया। तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है, ये लोकतंत्र विरोधी है, इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं, ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए इनका मैं निषेध करता हूं। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है जितनी तमाम पार्टी से 19 पार्टी उनकी तरफ से, कुर्सी के व्यापारी है जी, इनको सत्ता और कुर्सी की लालसा इतनी है कि सत्ता और कुर्सी की लालसा के लिए सारे लोग एक साथ आते हैं। ये लोग ये जानते हैं कि मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, न नेता है, न नीति है और न नियत है, इसलिए ये सारे के सारे लोग एक साथ आकर ऐसा मानते हैं कि हम मोदी जी को बदनाम करेंगे और हम वापस कुर्सी हथियाएंगे, लेकिन इनके सपने पूरे होने वाले नहीं है।